पूरा ही एविएशन स्पेस फोकस में रहेगा और ये खबर लेकर आप सुमित मेरे साथ मौजूद हैं। सुमित, एविएशन स्टॉक्स तो डेफिनेटली आज लाइमलाइट में रहने वाले हैं और एक वजह तो उनके फोकस में रहने की ये भी है क्योंकि क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में 4% स्लिप हुआ है, लेकिन इस वक्त जब भी हम एविएशन की बात करते हैं तो एक ही नाम सामने आता है, वो है एयर इंडिया। एयर इंडिया में डाइवेस्टमेंट और इसमें बड़ा जो इंटरेस्ट दिखाया है वो है इंडिगो, और आज इंडिगो की एक एनालिस्ट मीट भी है। क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किन किन बातों किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है इस एनालिस्ट मीट में? दीपाली, दो चीजें इसमें इंटरेस्टिंग है। पहली चीज तो एयर इंडिया सबसे लोएस्ट मार्केट शेयर वाला बड़ा प्लेयर है और इंडिगो सबसे बड़े मार्केट शेयर वाला सबसे बड़ा प्लेयर है। इनफैक्ट छोटा था वो बड़ा होता जा रहा है। और पीएलएफ वाइज भी अगर देखें तो जो फैक्टर है, लोड फैक्टर है, उसके हिसाब से इंडिगो सबसे वेल पोजीशनड है और एयर इंडिया सबसे खराब पोजीशनड है। लेकिन आज जो एनालिस्ट मीट होने वाला है उसमें ये बात साफ है कि दोनों कंपनियों के जो सिंक्रनाइजेशन है उसको लेकर बातचीत हो सकती है। किस तरह से ये कंपनियां स्टेक अगर लेती है, इंडिगो एयर इंडिया का स्टेक लेती है तो कैसी वायबिलिटीज बैठेंगी, इस पर जो शेयर होल्डर्स है उसको लेकर चर्चा होगी, एनालिस्ट कॉल्स उसके ऊपर हो सकती है। दूसरा, कंपनी के जो लॉन्ग टर्म में एक जो विजिबिलिटी है अपने रेवेन्यूज को लेकर, क्योंकि कंपनी के 600 प्लेन्स जो कि ऑपरेट करते हैं इंडिया और इंटरनेशनल ऑपरेशंस में, इनको कैसे कंपनी मैनेज करने वाली है गोइंग फॉरवर्ड, इस पर भी चर्चा होने वाली है। कई बाजार के दिग्गज जो हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जो कंपनी के चेयरमैन हैं मिस्टर राहुल भाटिया वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे इस कॉन कॉल के अंदर। शाम को 5 बजे कॉन कॉल होने वाली है। रेवेन्यू वाइज देखिए तो करीब 18,580 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ड्राइव करा है कंपनी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और कंपनी पे डेट भी 2900 करोड़ के आसपास का और करीब कैश भी ठीक ठाक है। लेकिन इस सिचुएशन के साथ कंपनी अब एयर इंडिया को कैसे बाय करने जा रही है, किस तरह से कंपनी अपनी जो लॉन्ग टर्म जो एक विजिबिलिटी बना के चल रही है, ये इंटरेस्टिंग रहेगा कैसे कंपनी इसको वर्कआउट करती है। लेकिन क्रूशियल चीज़ ये है सबसे ज़्यादा कि एयर इंडिया एक्सप्रेस जो कि एक प्रॉफिटेबल वेंचर है एयर इंडिया का, कंपनी उस पर मेजरली बेट कर रही है, वो प्रॉफिटेबल रूट सकती है और कंपनी मानती है अगर उसको खरीद लेती है तो उससे कंपनी के लिए अच्छे मार्जिन एक्सपेंशन होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो वो एक एयर इंडिया एक्सप्रेस को लेकर कंपनी क्या बयान देती है ये काफी क्रूशियल होगा, इसके ऊपर नजर रखना होगा। क्विकली एक चीज और, ये तो जैसे एयर एक्सप्रेस की तो आपने बात की है, लेकिन एक ये भी डिपेंड करेगा कि कितना स्टेक ले रहे हैं, किस प्राइस पर ले रहे हैं। लेकिन एक डेट का कंसर्न भी था कि क्या इंडिगो डेट भी लेगी, और इनफैक्ट जब ये खबर आई थी इसलिए इंडिगो 2-3 दिन टूटा भी था। लेकिन अब क्योंकि ये क्लैरिटी थोड़ी सी आई है कि शायद 20,000 करोड़ का जो डेट है वो शायद सरकार राइट ऑफ कर दे, अगर ऐसा हुआ तो क्या ये डील पॉजिटिव होगी? एयर इंडिया केस में 55,000 करोड़ का डेट है, 35,000 करोड़ का वर्किंग कैपिटल डेट है और 30,000 करोड़ के आसपास का अदरवाइज डेट है। इन दोनों डेट को अगर वर्कआउट करें तो उसमें से असेट्स कंपनी निकालती है 5,000 करोड़ के आसपास के असेट्स बैठते हैं, बाकी डेट को कंपनी कन्वर्ट करने की बातचीत कर रही है। रिमेनिंग डेट को अगर वेव ऑफ होता है इंडिगो के ऊपर करीब 10-12,000 करोड़ का ही डेट आता है तो इतना बड़ा ट्रबल नहीं होगा, प्रॉफिटेबल वेंचर्स कंपनी के पास अच्छे हैं, अच्छे रूट्स हैं तो उसका बेनिफिट कंपनी को मिल सकता है। तो ये दो चीजें हैं। अब क्या इस डील के अंदर होगा क्या नहीं, ये धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी, लेकिन हाँ आज कॉन कॉल काफी इंपॉर्टेंट है जिसपे जरूर नजर रखनी होगी। जी चलिए, शुक्रिया सुमित आपका। तो इंडिगो पर नजर रखें और इंडिगो ही नहीं पूरी एविएशन स्पेस पर, क्योंकि क्रूड भी इंटरनेशनल मार्केट में कल करीब 4% स्लिप हुआ और उसके बाद अभी के सेशन में थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है। क्रूड की बात हो रही है तो कमोडिटीज की ओर रुख कर लेते हैं। अनुज गुप्ता हमारे साथ मौजूद भी हैं एंजल ब्रोकिंग से। अनुज, पहले तो क्रूड पर ही अपने कमेंट्स दीजिए। 7-8 सेशन का कांस्टेंट अप्रिसिएशन, फिर एक दिन कंसोलिडेशन के बाद हमने कल फिर एक स्लाइड देखा। अभी करें क्या क्रूड पर घरेलू बाजार में? कल ऑलरेडी 4.5% ही टूट चुका है, क्या और नीचे आ सकता है इन लेवल से? गुड मॉर्निंग दीपाली जी। अगर हम देखें तो 2 दिन पहले जो नॉर्थ कोरिया की तरफ से जियोपॉलिटिकल टेंशन थी वो अब खत्म होती हुई दिखाई दी, और साथ में देखें तो ओपेक ने जो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करी है और जो ओपेक के जो सप्लाईज है वो कंटिन्यूस बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो वो एक सबसे बड़ा कंसर्न अभी भी है। हमें लगता है कि उसकी वजह से क्रूड में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। हालांकि $50 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमने देखा है मार्केट में, हमें लगता है कि क्रूड के अंदर अभी जो सप्लाई साइड है वो इंक्रीज रहेगी तो और डिमांड उतनी नहीं रहेगी, तो मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर गिरावट का माहौल ही देखने को मिलेगा। हमें लगता है कि नीचे करीबन $43 तक के लेवल NYMEX में देखने को मिल सकते हैं, M6 में नीचे करीबन 2900 से लेकर 2850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो क्रूड के अंदर हमें लगता है कि सेलिंग करके चलना चाहिए। क्रूड में बिकवाली की सलाह है 2980 के लेवल पर पोजीशंस बनानी है 2900 के टारगेट के लिए। दूसरी कमोडिटी कौन से रिकमेंड करेंगे आज के लिए? देखिए, दूसरी कमोडिटी गोल्ड रहेगा। हमने देखा है कि गोल्ड में पिछले 2-3 हफ्तों से वीक ऑन वीक बेसिस पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है और कंटिन्यूस इसमें एक स्लाइड हम आते हुए देख रहे हैं। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर अभी भी गिरावट देखने को मिल सकती है, तो गोल्ड के अंदर करीबन 28,150 के आसपास बिकवाली करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 28,300 का, टारगेट नीचे करीबन 27,900 तक और कॉमेक्स में करीबन $1,210 $1,205 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड में मुझे लगता है कि बिकवाली करके ट्रेड किया जा सकता है।
ठीक है, चलिए शुक्रिया अनुज आपका। तो गोल्ड में भी सेल पोजीशंस बनानी है, 28,150 के स्तर पर बेचिए, 27,900 के टारगेट के लिए, 28,300 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। लेकिन आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई प्रतिनिधि मंडल वार्ता के दौरान भारत और इसराइल के बीच 7 समझौते हुए हैं। दोनों देशों ने $40 मिलियन के भारत इसराइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन फंड के लिए MOU साइन किए। इसके अलावा भारत में जल संरक्षण के लिए राज्यों में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी समझौते हुए। भारत इसराइल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत कृषि के लिए और इसरो और इसराइल के बीच परमाणु घड़ी के लिए भी समझौते हुए। जियो लियो ऑप्टिकल लिंक के लिए और छोटे सैटेलाइट्स को बिजली के लिए भी समझौते किए गए। मॉडर्न जर्नी आवर पाथ्स हैव बीन डिफरेंट बट आवर बिलीफ इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस हैज बीन ए शेयर्ड परस्यूट। वी अग्रीड दैट एफिशिएंसी ऑफ वाटर एंड रिसोर्सेज यूज, water conservation and its purification, productivity increase in agriculture are key areas in deepening our bilateral cooperation. Our goal is to build a relationship that reflects our shared priorities and draws on enduring bonds between our peoples. This is an expression of our commitment to fight the bad and work for the good. And I think this is what marks this visit. It's a partnership to seek the good, to defend the good, to achieve the good. And this is a good day. Welcome, my friend, Prime Minister Narendra. इजराइल की ऐतिहासिक यात्रा पर पीएम मोदी वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों को संबोधित भी करने गए। तेल अवीव कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सरकार की 3 साल की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही 3 बड़े ऐलान भी किए। मोदी ने मंच से OCI कार्ड के नियमों में राहत, इंडियन कल्चरल सेंटर खोलने का ऐलान किया और इसके अलावा दिल्ली और मुंबई से तेल अवीव के लिए सीधी विमान सेवा जल्द शुरू करने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वहां करीब 5,000 भारतीय मौजूद थे। किसी भी देश का विकास उसका आकार साइज नहीं, उसके नागरिकों का स्पिरिट, खुद पर भरोसा तय करता है। संख्या और आकार उतना मायने नहीं रखता, ये इजराइल ने करके दिखाया है, साबित किया है। और अब फटाफट से ये जान लेते हैं कि कौन से वो स्पेसिफिक शेयर्स हैं जहां पर ब्रोकर हाउसेस की ओर से रिपोर्ट्स आई हैं। अंचल मौजूद हैं रिपोर्ट्स लेकर, बताइए अंचल कौन से स्टॉक्स हैं। शुक्रिया दीपाली, देखिए आज रिलायंस पे रिपोर्ट्स हैं, PNB के ऊपर एक नई रिपोर्ट आई है और इंडिया स्ट्रेटजी को लेकर CLSA ने अपना व्यू दिया है। पहले PNB की बात कर लेते हैं। नोमुरा ने PNB के ऊपर एक नई रिपोर्ट जारी की है, रेटिंग को बढ़ाकर अब बाय किया, 180 का टारगेट दे रहे हैं। अगर साफ तौर पर रिपोर्ट को पढ़े तो उन्होंने कहा यहां से मौजूदा स्तरों से PNB के शेयर में 30% से ज्यादा तक की तेजी आ सकती है और सब बेस रिपोर्ट का यही है कि अब बैंक की वैल्यूएशन काफी आकर्षक हो गई है। हाल में ऑलमोस्ट 24% गिरा तो उसके बाद अब जो शेयर है वो काफी आकर्षक हो गए इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। दूसरी ओर रिलायंस के ऊपर, बेसिकली रिलायंस जियो ने अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट की थी, उसके ऊपर अब CLSA ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है। बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है, ₹1710 का टारगेट रिलायंस इंडस्ट्रीज पे दिया जा रहा है। जियो की जो एनुअल रिपोर्ट आई थी उसमें काफी सारे पॉजिटिव इंसाइट्स थे और उनका मानना है गोइंग अहेड ट्रेंड इंप्रूव हो रहा है अब जियो के लिए। सबसे पहली बात, जिस तरह से जियो प्राइम को रिस्पांस मिला है वो काफी पॉजिटिव है, साथ ही जो ओवरऑल जियो की सेवाएं इंप्रूव हो रही है उससे कहीं ना कहीं आगे चल के ज्यादा ग्राहक फ्री सेवाओं के बाद पेड कस्टमर्स में कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा रिलायंस के लिए। हाँ, एक वैल्यूएशन फ्रंट पे एक बात जरूर बोलिए कि अगर जियो PBT यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रंट पे मुनाफे में आना चाहती है तो उसको कम से कम 11 करोड़ ग्राहक चाहिए और एक एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जिसे ARPU कहा जाता है
₹300 का होना चाहिए, तो वो क्रिटिकल एस्पेक्ट रहेगा किस तरह से रिलायंस उसे प्लान आउट करती है। और साथ ही साथ इंडिया के ऊपर ओवरऑल एक कंसाइज रिपोर्ट सीएलएसए की तरफ से आई है। देखिए रिपोर्ट का तर्ज कहीं ना कहीं जीएसटी है, उनका मानना है जीएसटी से जो आय रेवेन्यूज आ रहे हैं उसे बढ़ना बेहद जरूरी है अगर सरकार चाहती है अपना 6% जीडीपी अचीव करना, तो वो काफी क्रिटिकल रहेगा। जहां तक रही बात FI18 में विनिवेश की, वो सुस्त रहेगा, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम सेल्स स्लो रह सकती है, लेकिन सरकार अतिरिक्त रकम जुटाने के लिए जो छुट्टी के स्टेक्स हैं LNT एक्सिस बैंक ITC में वो मोनेटाइज करती हुई दिखेगी। ठीक है, शुक्रिया अंचल आपका ये रिपोर्ट्स बताने के लिए। तो ये सभी शेयर्स जिन पर आप ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स के हिसाब से ध्यान दे सकते हैं वो बताए हैं अंचल ने। SENSEX निफ्टी अभी भी फ्लैट विद नेगेटिव बायस ट्रेड कर रहा है, 5 पॉइंट्स नीचे 9649 के लेवल्स पर।